oh no, ouch, 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 it hurts. मेरी पार्लर वाली आंटी को छोड़ के वीडियो कोई भी देख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंटी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं पार्लर नहीं आऊंगी वैक्सीन के लिए। Hey you, it's me. So guys, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस फिलिप्स के एपिलेटर को। So guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एपिलेटर है ये हमारे नॉर्मल वैक्सीन से कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है और कितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है नॉर्मल डेली लाइफ के लिए, और क्या इसको खरीदना वर्थ इट है या नहीं। एंड ये वीडियो लड़कों के लिए भी बनी है, लड़कियों के लिए भी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब आज के डेट पे वैक्सीन करते हैं, शेविंग करते हैं, वैक्सीन करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, तो ये तीनों का काम करता है। ये शेव भी करता है, ट्रिम भी करता है, वैक्स भी करता है। तो इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड, कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज, मुझे इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नीट और डिसेंट पैकेजिंग दे रखा है इन्होंने। और इसके अंदर जो मैंने खोल के देखा तो मुझे सबसे पहले मिला एक चार्जर जो कि काफ़ी लंबा कॉर्ड है उसका, एंड आई रियली लाइक द लेंथ एंड एवरीथिंग। जब मैं बोलूँ इसका कॉर्ड बड़ा है तो आई मीन लिटरली बहुत सही है एंड बहुत ज़्यादा यू नो लंबा है। आई रियली लाइक द लेंथ। एपिलेटर के साथ साथ आपको एक शेविंग हेड भी मिलेगा और एक शेविंग कॉम्ब भी मिलेगा, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये बेसिकली दोनों अटैच्ड है एक ही साथ, और आप इसको हटा के भी यूज़ कर सकते हो, एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये ब्रश हम लोग प्लग्ड आउट हेयर को हटाने के लिए यूज़ करेंगे जो हमारे एपिलेटर में फंस गया है या हमारे शेविंग हेड में फंस गया है, हम उसको हटाने के लिए ये ब्रश यूज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है हमारा एपिलेटर इटसेल्फ। तो इसमें ये क्या होता है, ये घूमता है ये पूरा डिवाइस, और इससे क्या होता है आपका एक एक हेयर प्लक आउट हो जाता है। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीछे चार्जिंग का स्लॉट दे रखा है। अगर आपको इसको उतारना है तो फिर आपको यहाँ से पुश करना पड़ेगा लाइक दिस, लेकिन इसको बस थोड़ा टक करना है एंड ये निकल जाएगा, ठीक है, एंड इसको ऐसे वापस कर दो। सो गाइज, मैंने एपिलेटर हेड हटा के शेविंग हेड लगा दिया है। आप इसको शेविंग कॉम्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हो और विदाउट भी यूज़ कर सकते हो। इसको कहेंगे हम लोग शेविंग कॉम्ब, जो कि एक्सेस हेयर को हटाता है। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा थिक बाल है तो फिर आप जस्ट इसी में लगा के फिर आपको इसमें मिलेगा तुम्हारा, पता नहीं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, कुछ कुछ और इंस्ट्रक्शंस, फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस, लाइक इंस्ट्रक्शंस की तो इतनी बड़ी मैनुअल है। फिर आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, एपिलेशन करने से पहले आपको अपने पैरों को धोना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको पाउडर लगाना है, ना तो आपको ऑयल लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप कुछ भी लगाते हो तो फिर आपके बाल जड़ से नहीं उखड़ेंगे, उसमें जगह भर जाएगी एंड वो क्लॉग हो जाएंगे। तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल पैरों को क्लीन करें, पानी से धो लें, साबुन से धो लें, और फिर आप एपिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। सो गाइस, इसको प्लग इन कर दिया है। अब इसमें ना दो सेटिंग्स हैं, एक थोड़ा सा स्पीड का, एक कुछ ज़्यादा ही स्पीड का, तो लेट्स ट्राई दिस। मैं पहली बार यूज़ नहीं करी तब भी मैं हर बार चौंक जाती हूँ। तो ये है हमारी फर्स्ट सेटिंग, अब ये है हमारी सेकंड सेटिंग। अच्छा, तो बात करते हैं इसमें पेन होता है या नहीं होता। आपको मैं ले जाती हूँ थोड़े से फ्लैश बैक की ओर। सो हाँ गाइस, मुझे भी पहले दर्द हुआ था, लाइक बहुत ज़्यादा हुआ था, अगर आप इसको दो तीन बार यूज़ करोगे तो फिर आपको भी उस पेन की आदत लग जाएगी। Thank you.
अगर आपने कभी भी डिफॉरेस्टेशन नहीं देखा तो गाइस ये लाइव रिजल्ट है डिफॉरेस्टेशन का। मुझे आए दिन बहुत सारे स्पॉट्स, रैशेज या फिर यू नो मेरे को चोट लगती रहती है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस जगह पे एपिलेशन प्रोसेस नहीं करिए, क्योंकि वो जो इसका डिवाइस है बहुत तेज़ घूमता है, तो यू डोंट वांट कि आपके किसी वोंड में चोट लगे या फिर कुछ भी ऐसा हो। तो फिर आई वुड सजेस्ट साइड से निकल के चले जाइए, उसके ऊपर से नहीं। जो भी एक्सेस हेयर है उसको आप ऐसे ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में ये जो हेड है इसको आप धो सकते हैं, लाइक ये जो एपिलेशन का हेड है या फिर ट्रिमर हेड है आप इसको धो सकते हैं, बट आप इसको नहीं धो सकते हो, तो फिर आप इसको कृपया दूर ही रखिए, चाहे वो आपका बकेट हो पानी से भरा हुआ या चाहे वो आपका सिंक हो, और दूर ही रखिए इसे, बिल्कुल दूर, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो फिर आपको प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाएगा। बस आप इसे धोइएगा। बात रही मेरी एक्सपीरियंस विद द एपिलेशन प्रोसेस, बहुत सही था। लाइक पहले स्टार्टिंग में पेन हुआ जैसे मैंने कहा, बट मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरे माइन्यूट से माइन्यूट बिल्कुल छोटे से छोटे बाल भी मेरे जड़ से उखड़ रहे हैं, एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, लाइक लेग्स और हैंड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। अच्छा, बहुत लोग के हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लाइक यू नो पैर पे या फिर हाथ में आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो फिर आप पहले अपने हेयर को ट्रिम कीजिएगा। जो इसमें हेड प्रोवाइड किया गया है उससे आप पहले हेयर को ट्रिम कीजिए, फिर उसके बाद ही आप एपिलेट करिए। बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस ट्रिमर हेड की, ट्रिमर हेड या फिर शेविंग हेड कह लो, तो फिर ये बिल्कुल रेज़र इफेक्ट देगा आपको। जैसे आप रेज़र यूज़ करते हो तो जैसा इफेक्ट उस टाइम पे मिलता है सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, जड़ से नहीं उखड़ेंगे आपके बाल। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको शेविंग पसंद है या वैक्सिंग पसंद है। अच्छा, बहुत लोग का सवाल ये हो सकता है कि यार हेयर ग्रोथ वापस कैसे होती है, तो मैं विद प्रूफ आपको दे दूंगी कि आप एपिलेट करते हो तो फिर आपको डिटो वैक्सिंग का इफेक्ट मिलता है, अगर आप ट्रिमिंग करोगे उसको या फिर शेविंग करोगे तो फिर आपको बिल्कुल शेविंग का इफेक्ट ही मिलेगा, और इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। एपिलेशन वाला मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट देता है, और जो ट्रिमर वाला है वो फिर आपके बस ऊपर ऊपर से बाल निकाल देता है। हेयर ग्रोथ जल्दी होने के चांसेस है, वो डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। कुछ लोग के बहुत माइन्यूट बहुत पतले पतले बाल होते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके में दोनों ही बराबर है,
बट कुछ लोग जिनकी थिक हेयर ग्रोथ होती है उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उनको किस टाइप के बाल पसंद है। तो हो सकता है कि आपको रेडनेस हो एंड इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत लोगों को होता भी है क्योंकि स्किन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितना ले सकती है एंड कितना क्या है। तो फिर डरिएगा नहीं, स्टार्टिंग प्रोसेस है, आप आइस लगा लें, ठीक हो जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अप्लायंस काम नहीं करता, दैट्स बिकॉज कि आपने इसको ऐसे कर रखा है, लाइक यू नो आपको आपने ढंग से इसको फिक्स नहीं किया, तो फिर आप कितना भी बटन दबाते रहे जो ओपन नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट टू मानवी शर्मा एंड साईशा यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, थैंक यू गाइस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि मैं आज यहाँ हूँ। आप इसको अपने स्टोमक में यूज कर सकते हो, अपने हैंड्स में, अंडर आर्म्स में, लेग्स में, बिकिनी एरियाज में, टोज में, कहाँ नहीं यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड सिर्फ इतना ही है और आपको नेक एरिया से ऊपर नहीं जाने का है, लोग जाते हैं बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप इसको अपने बिकिनी एरियाज में भी यूज कर सकते हैं एंड आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका कंफर्ट जोन कितना है, लाइक आप रेडी हैं उसको यूज करने के लिए या नहीं। लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर आप मत कीजिए, बट हाँ लोग करते हैं एंड मैंने भी पर्सनली ट्राई किया है, इट गिव्स अ वेरी स्मूथ रिजल्ट, वैसे ही रहता जैसे आप वैक्सिंग करते हो, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, कितने साल से ऊपर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर देखो इसको लड़का और लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं और 8 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड 3000 से ऊपर है, लेकिन आपको अमेजोन पे 2800 या फिर 2900 के अराउंड आराम से मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली बात है, इसका एक लेसर प्राइस वर्जन भी है जिसमें सेम चीज़ होता है लेकिन उसमें ट्रिमर हेड नहीं होता। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिमर की ज़रूरत नहीं है, लाइक यू नो आपको शेविंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एफिलेशन करना है, तो फिर आप 2400 वाले में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सेम ही चीज़ है बट वो आपको शेविंग हेड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हों या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आप लोगों को बुरा लगे, तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे एपिलेशन में या फिर मेरी शेविंग में कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम ग्रो करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज।